हेलो बच्चू सी द क्वेश्चन द क्वेश्चन सी इज दैट फ्लैग स्टाफ स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ फाइव मीटर हाई टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज सिक्सटी डिग्री एंड एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फोर्टी फाइव डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ तो हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ हमको बताना है क्या होगा तो फ्लैग स्टाफ जो है वो स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ फ़ाइव मीटर हाई टावर फ़ाइव मीटर हाई टावर पे क्या करता है स्टैंड करता है फ्लैग स्टाफ फाइव फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पॉइंट ऑफ द ऑन द ग्राउंड जो है हमारे पास में क्या है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज सिक्सटी डिग्री यहाँ से हमारे पास क्या है हमको बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ऑन द ग्राउंड एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है जिसका जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ का वो सिक्सटी डिग्री है और सेम पॉइंट से हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन जो है और टॉप ऑफ द टावर का 45 डिग्री है तो हमको बताना हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ क्या होगा ये हमको बताना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं तो इस टाइप के जितने भी हमारे पास में क्वेश्चन होते हैं उनमें हमारे पास जो यूज़ होता है वो ट्रिक्नोमेटिक रेशियोज़ यूज़ होता है तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा ये यह हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अब देखिए अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं सबसे पहले तो हमारे पास में क्या है एक एक टावर है हमारे पास तो ये तो हमने बना दिया टावर और उसके ऊपर हमारे पास में क्या एक फ्लैग स्टाफ है ये हमारे पास है अब देखिए ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल तो ये हो गया ग्राउंड अब देखिए ग्राउंड है और यहाँ से हमको बोला है सिक्सटी डिग्री जो है वो टॉप का है आ, ये सिक्सटी डिग्री जो है वो तो हमारे पास टॉप का एंगल ऑफ़ एलिवेशन है और बॉटम का कितना है फोर्टी फाइव है तो हमने यहाँ से एक पॉइंट ले लिया ये पॉइंट से हमने देखा पॉइंट से हमने देखा ये जो हमारे पास में टॉप जो है फ्लैग स्टाप का टॉप जो है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास सिक्सटी डिग्री है और सिमिलरली इसी पॉइंट से हमारा जो ये बॉट ये हमारा टॉप ऑफ द टावर जो है उसका हमारे पास में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है फोर्टी फाइव डिग्री है ये हमको गिवन है अब यहाँ से हमको फ्लैग स्टाफ की हाइट बतानी है क्या होगी और टावर जो है उसकी हाइट कितनी है हमारे पास में फ़ाइव मीटर्स है ये हमारे पास फाइव मीटर्स है ये हमने बोल दिया यहाँ से अब हमने क्या किया ये हो गया ए ये हो गया हमारे पास बी ये हो गया सी और ये हो गया डी ये हमारे पास में ट्राइंगल्स बनेंगे ये हमारा 90 डिग्री होगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इन ट्राइंगल हमने सबसे पहले बात की बी सी डी की तो बी सी डी हमारे पास में ट्राइंगल है आ, ये इसकी जो हमारे पास में इसमें हम यूज़ करेंगे टेन फोर्टी फाइव डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा का यूज़ करेंगे ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास में ऑपोजिट साइड यानी कि फाइव मीटर डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना हो जाएगा बी सी अब फोर्टी फाइव का वैल्यू तो वन होता है तो बी सी इज़ ईक्वस तो कितना हो जाएगा फाइव मीटर्स uh, हमारे पास में क्या आ जाएगी बी सी की लेंथ आ जाएगी कि बी सी हमारा फ़ाइव मीटर्स हो गया अब बी सी अगर हमारे पास फ़ाइव मीटर्स है तो हम इन ट्राइंगल बात कर लेते हैं ए बी सी की तो यहाँ पे टेन सिक्सटी डिग्री बन रहा है तो टेन सिक्सटी डिग्री इज ईक्वस टू परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी अब ए सी हमारे पास में क्या हो जाएगा ए डी प्लस बी डी ए डी प्लस सी डी हो जाएगा तो यहाँ से हमने बात की ए डी प्लस सी डी हो जाएगा और सी डी हमारे पास में कितना है फाइव मीटर्स है और डिवाइडेड बाई यहाँ से बी सी जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बेस हमारे पास बी सी है ये फाइव हो ही जाएगा और टेन सिक्सटी जो है हमारे पास रूट थ्री होता है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई फाइव डिवाइडेड बाई ए डी प्लस फाइव बनेगा तो यहाँ से हमने बोला ए डी जो है हमारे पास कितना हो जाएगा फाइव रूट थ्री माइनस फाइव हो जाएगा तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए डी जो है वो किसके इक्वल आ गया फाइव को हमने कॉमन ले लिया रूट थ्री माइनस वन मीटर्स बन जाएगा यहाँ से हमने बोला रूट uh, थ्री का वैल्यू होता है वन पॉइंट सेवन थ्री टू और उसमें से अगर हम वन को माइनस करेंगे और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स मीटर्स हमारे पास में क्या आ जाएगा फ्लैग स्टाफ जो है उसकी हाइट आ जाएगी तो यहाँ पे हमने बोला फ्लैग स्टाफ की हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स मीटर्स हमारे पास आंसर हो जाएगा आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल गुड लक थैंक यू